हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेके आ गई हूँ और न्यू वैकेंसी के साथ। तो ये है, आज हम बात करेंगे, आरआरबी की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, न्यू नोटिफिकेशन। आरआरबी की तरफ से पहले भी नोटिफिकेशन आ चुका है, वो पैरामेडिकल की वैकेंसी थी तब निकला था। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक मिस ना हो, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी गवर्नमेंट वैकेंसी में अप्लाई कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है आरआरबी की साइट। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात करें तो ये indianrailway.government.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसकी बात कर लेते हैं, जो ये नोटिफिकेशन है आरआरबी, ये सिलेबस है, सिलेबस के बारे में बाद में बात करेंगे। फिर ये वैकेंसी की डिटेल है, फिर इसका नोटिफिकेशन है, डिटेल में नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से नोटिफिकेशन। रेलवे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पोस्ट रिक्रूटमेंट है। और शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स यानी एप्लीकेशन इसके शुरू होने वाले हैं 14 सितंबर से। लास्ट डेट एप्लीकेशन की है 13 अक्टूबर, यानी 1 मंथ आपके पास है, इजीली आप इसको फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम फी करेक्शन और मॉडिफाइड डिटेल है, 16 और 25 अक्टूबर को आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट एज पर शेड्यूल रहेगा, एडमिट कार्ड बिफोर एग्ज़ाम आपको मिल जाते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 फीस है, SC ST PH कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस है, ऑल कैटेगरी की जो फीमेल है उसके लिए 250 है। आफ्टर अपियर स्टेज वन एग्ज़ाम, तो आपको जो पे रिफंड हो जाएगा आपका 400, और जो भी आपने पे किया है वो रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एज क्राइटेरिया इनका क्या रहेगा। तो एज की अगर हम बात करें तो 1/1/25 तक मिनिमम एज इसकी 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 36 ईयर्स है। तो आरआरबी की जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है वो वैकेंसी के हिसाब से है। तो पोस्ट की बात कर लेते हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है 8113 पोस्ट, ठीक है। टोटल वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी 8113 पोस्ट है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में 1736 पोस्ट हैं, स्टेशन मास्टर में 994 पोस्ट हैं, गुड ट्रेन मैनेजर में 3144 पोस्ट हैं, जूनियर अकाउंटेंट में 1507 हैं, और सीनियर क्लर्क में 732 हैं। तो टोटल टोटल 8113 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो बैचलर डिग्री आपको होना चाहिए एनी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और इनके लिए भी आपको इंग्लिश हिंदी टाइपिंग होना चाहिए जो जूनियर कलर के लिए है। तो बात कर लेते हैं यहाँ वैकेंसी वाइज, जोन वाइज और कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, टोटल टोटल वैकेंसी है स्टेट वाइज, ठीक है। अब चलिए साइट पे चलते हैं। इसकी जो नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं। इसका जो सिलेबस है, सिलेबस क्या रहेगा एग्ज़ाम का, तो आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम CBT टेस्ट रहेगा। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन, जनरल GI और R के 30 क्वेश्चन, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ 100 रहेंगे। एग्ज़ाम कंडक्टेड वो फॉर 120 मिनट्स, ठीक है, ये PWD कैंडिडेट के लिए है। सेकेंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा वो, इसमें वही जनरल अवेयरनेस है 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 35, टोटल टोटल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो मैथ्स में क्या क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है, जनरल अवेयर्स में क्या क्या सिलेबस है, ये आप डिटेल में इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी टेबल। तो ये वैकेंसी टेबल है कि किसमें कहाँ क्या कितनी वैकेंसी निकली है, ये वैकेंसी टेबल इसकी दी हुई है। तो आप इसको डिटेल में चेक कर सकते हैं। आरआरबी मालदा, आरआरबी मुंबई, आरआरबी प्रयागराज, तो ये उसके हिसाब से ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन है, ये आप इसको इसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। सिंपली आप वेबसाइट पे जाएंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, अगर आप नए हैं तो क्रिएट एन अकाउंट करके इसको आप पर्सनल डिटेल यहाँ शेयर कर सकते हैं। नेशनलिटी आपकी फिल करेंगे, नेम आप फिल करेंगे, फिर आपका चेंज तो नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें, फादर नेम, मदर नेम, ये करके आधार वेरिफिकेशन, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल डालेंगे, पासवर्ड क्रिएट करेंगे।
देन आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप प्रीव्यू करेंगे क्रिएट एन अकाउंट। बहुत ही ध्यान से ही आपको डिटेल फिल करनी है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन करके आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे या फिर ईमेल एड्रेस, जिस भी आपने उससे बनाया, जैसे मोबाइल नंबर से बनाया है तो मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस से बनाए ईमेल एड्रेस, और इसमें पासवर्ड क्रिएट करके यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे। अगर आपका अकाउंट इस पे नहीं बना हुआ है तो आप क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे वापस होम पे, ठीक है, अप्लाई करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे नेशनलिटी इंडिया से है, नेपाल से है, भूटान से, तिब्बतन है, पर्सन जो भी कैटेगरी आपकी है वो आप क्लियर करेंगे। सपोज आप इंडिया से हैं, पर्सनल डिटेल, जैसे पर्सनल डिटेल इसमें फिल करते हैं, ठीक है, यहाँ पे पर्सनल डिटेल आप फिल करेंगे। देन आप अगर हैव यू चेंज योर नेम, चेंज नेम करना चाहते हैं, यस, नहीं करना चाहते, अंडरस्टैंड और एग्री करके मना कर दीजिएगा, नो कर दीजिएगा, नो कर दीजिएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे रीटाइप करेंगे डेट ऑफ बर्थ, सेलेक्ट जेंडर करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो आप सेलेक्ट करके दोनों तरफ भरेंगे। यहाँ फादर नेम भरना है, फिर यहाँ पे अगेन फादर नेम, मदर नेम, फिर रीटाइप करेंगे मदर नेम, फिर आधार वेरिफिकेशन नंबर आप डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। अगर आपके पास आधार है तो वेरीफाई करेंगे, अगर नहीं है तो आई डो नॉट हैव एन आधार पे क्लिक करेंगे। देन कॉन्टैक्ट डिटेल, आपकी ईमेल एड्रेस यहाँ पे आएगी, ईमेल एड्रेस पे फिर जनरेट ईमेल ओटीपी करना होगा। जैसे ही आप ईमेल एड्रेस डाल के जनरेट करेंगे, यहाँ पे आप ओटीपी फिल करेंगे। देन मोबाइल नंबर फिर आपको वेरीफाई करना होगा, मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, फिर जनरेट मोबाइल ओटीपी डालेंगे, देन यहाँ पे आप ओटीपी फिल करेंगे। देन लास्ट का जो पैरा है इसमें पासवर्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। पासवर्ड शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल करेक्टर। सपोज पासवर्ड बनाना मैं आपको सिखा देती हूँ, सपोज मेरा नाम आस्था है तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे कैपिटल आप फिल करेंगे, ठीक है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, फिर स्मॉल, फिर नाम लिख के @123 करके आपको ऐसा पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको यहाँ कैप्चा फिल करना है, देन प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट आपको करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। जो भी आरआरबी की नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे वो जल्दी से इस फॉर्म को फिल कर लीजिए, क्योंकि विंडो ओपन हो चुकी है, फॉर्म आ चुके हैं, और जल्दी से जल्दी इसको फिल कर लीजिए, ठीक है। वैकेंसी छोड़िएगा मत, 8,000 कम नहीं होती है वैकेंसी, आपको सिर्फ एक ही चाहिए, ठीक है। आपको सबके बारे में नहीं सोचना कि ज़्यादा निकली है कम निकली है, आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है ना। सारी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको अप्लाई करना है, ये सारा इसका डिटेल नोटिफिकेशन है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पब्लिकेशन डेट इसका 13 है, 14 तारीख को विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। और देखिए अब हम पे की बात कर लेते हैं, ये पे आपको कितना देंगे। डिटेल ऑफ वैकेंसी, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 35,400 रुपये आपको ये देंगे, ठीक है। फिर ये वैकेंसी का दिखा है, स्टेशन मास्टर के लिए लेवल 7 CPC लगेगा, 35,400 रुपये, ठीक है। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 29,200 रुपये, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए 29,200, सीनियर कलर कर कम टाइपिस्ट के लिए 29,200, ठीक है। ये आपका पे बैंड था जो आपको मिलेगा जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है डिटेल में, तो आप इसको डिटेल में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के 3 ईयर्स है, SC ST के लिए 5 ईयर्स है, ठीक है। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने इस फॉर्म में क्लियर ना की हो, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं डिटेल में कि क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्किल फर्स्ट में कॉमन है ऑल पोस्ट के लिए, जब सेकंड स्टेज आप पास सेकंड स्टेज में आएंगे तो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, इसमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, तब जाके आपको जॉब मिलेगी। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हैं, क्लियर है तो प्लीज़ जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स इसका वेट कर रहे थे जल्दी से उनको शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस पोस्ट को जल्दी से फिल कर लीजिए, और देर मत करिएगा, जल्दी से इसको फिल कर लीजिए, और आपका एक शेयर दूसरे की लाइफ चेंज कर सकता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।